बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 हिस्ट्री जियोग्राफी क्लास 8 फाइनल टर्म का इस पे प्रॉब्लम सामने मौजूद है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव को बड़ी डिटेल के साथ देखा था, आज वीडियो के अंदर हम सब्जेक्टिव को देखेंगे और वो भी उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने मौजूद है, इनके जो आंसर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज मीन बाय टाइड्स, एक्सप्लेन, मदो जजर से क्या मुराद है, इनका जवाब हमें लिखना है। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में दिया गया है। मदोजर जमीन के समंदरों पर चांद और सूरज की कशी से चक्कर की वजह से समंदर की सतह में बाकायदगी से इजाफे और गिरने का नाम है। इन आसमानी इंसान की तरफ से लगाई जाने वाली कशी से चक्कर की कुवतें जमीन के करीब 3 ग्रहण पर एक समंदरी बल्ज बनाती है और इसके मुखालिफ सिमत में इसी तरह का बल्ज बनाती है। जैसे जैसे जमीन घूमती है मुख्तलिफ सारे इलाकों में ऊंची लहरों और कम मदोजर का सामना होता है। मदोजर दिन में तकरीबन 2 बार आते हैं और चांद और सूरज की पोजिशन साहली पट्टी का जोग्राफिया और सतह समंदर जैसे वामिल की बुनियाद पर इसकी ऊंचाई और शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट जी, तंगनाई और खलीज में फर्क बयान करना है आप लोगों ने, जो आप हमने लिखना है। यहाँ से मेरे पास स्टार्ट होगा जो आप इसका, बहर का एक लंबा मगर तंग हिस्सा जो खुश्की में 2 दूर तक चला जाए तंगनाई कहलाता है। इसकी अहम मसाले तंगनाई पारसोंग, तंगनाई मैक्स्यू है। बहर का हिस्सा जो खुश्की के अंदर की तरफ दूर तक चला जाता है मगर कदर खुश्क होकर खर्च कहलाता है। इसकी मिसाल खलीज बंगाल है। पाकिस्तान में दरामदाद कम करने के दरपेश मसाइल जो इनसे आए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे उर्दू मीडियम में दिए गए हैं। दुनिया का हर मुल्क इक़्तिसादी तरक्की के लिए तजारत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए अपनी दरामदाद को कम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को अपने तवाज़ुन और अदायगी को बेहतर बनाने के लिए दर्ज ज़ाइल इक़दाम करने चाहिए। हाई वैल्यूएड एशिया की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। लग्जरी आइटम की दरामद को कम करें। एशिया खुर्दनोश की आम दरामद को महदूद करने के लिए ज़राअत में खुद कफील होने की जरूरत है। इसकी पैदावार के मकदार के लिए बेहतर तरबियत और तालीम इसकी आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा बैन अवी तजारत में मनसूबों के साथ मुकाबला किया। वजाहत करें आप लोगों ने, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। पाकिस्तान में हमेशा अपने तजारती शराकतदारों से तजारती अशिया की मांग को पूरा करने के लिए अच्छे ताल्लुक का मुजाहरा किया। सामान की बुनियादी मांग इनकी तवक्कात पर पूरा उतारने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखता है। तजारती शराकतदारों की तरफ से दिए गए टाइम शेड्यूल को पूरा किया है। क्वालिटी कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए WTO के फ्राहम करदा बैन अवी मैदान पर पूरा उतरा। तजारती शराकतदारों के दरमियान करेंसी के तबादले का बेहतर मनसब करार दिया गया। तजारती वफ्द के तजारत के फरोग के लिए रुकन ममालिक में भेजे गए। पाकिस्तान रेलवे में होने वाली हालिया पेश रफ्त आप लोगों ने बतानी है। पाकिस्तान रेलवे में बहुत सी नई खिदमत का आगाज किया गया है। इसके नतीजे में माल बर्दारी और मुसाफरों की नकल हमल की वजह से आमदनी में इजाफा हुआ है। एक नए रेलवे ट्रैक का मनसूबा बनाया गया जो ग्वादर की गहरे पानी की समंदर बंदरगाह को मस्तूंग से मिलाएगा। ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा है। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए टिकटिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया और रिजर्वेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया। ग्वादर बंदरगाह की अहमियत आप लोगों ने लिखनी है। ग्वादर बलूचिस्तान में मकरान के साहल पर वाक़ है और दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह मुतजज़ा तरीकों से कौमी माशियत की खिदमत करेगी। मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के माशी मफादात का तकाजा है। इसकी इक़्तिसादी तरक्की की हौसला अफजाई करने के लिए इसकी अपनी एक बंदरगाह हो। बंदरगाह इसकी बड़ी फलों की फसल की बरामदात में सूरत फ्राहम करेगी। अगर किमारी और बिन कासिम की बंदरगाहें तवील हड़ताल या कुदरती आफत से मुतासर होती है तो ग्वादर मुतबादर बंदरगाह बन सकता है। अगर अफगानिस्तान वस्त एशिया शुमाल को अपनी सरजमीन से गुजरने देता है तो ग्वादर वस्त एशिया के एक इंटरपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। इससे अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी आमदनी हो सकती है। पहली जंग अज़ीम सल्तनत उस्मानिया का किरदार। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने मरकजी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया। पहली जंग अज़ीम में उस्मानियों की शमूलियत 1914 में ईस्वी में ओडेसा की जंग से हुई जब उस्मानी बहरा ने बहरा सोद के रूसी बहरी पेरे और रूस के जेर कंट्रोल बंदरगाही शहर ओडेसा पर हमला किया। इसने रूस और दीगर इत्तेहादी ताकतों को उस्मानियों के खिलाफ ऐलान जंग करने पर उकसाया। 1916 में ईस्वी में गैपगोली की जंग में उस्मानियों ने एक बड़ी फतह हासिल की लेकिन जंग इनके लिए तबाही लेकर आई। कस्तानिया के महादे की वजाहत करने से इसकी नाकामी की आप लोगों ने वजह भी बतानी है। कस्तानिया महदा इतिहादी ताकतों के दरमियान एक खुफिया महदा था। महदे में फैसला किया गया कि फतह की सूरत में शहर कस्तानिया सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हिस्से रूस को दे दिए जाए। ऐसा ना हो सका क्योंकि रूस में इनकलाब बरपा होगा जिसके नतीजे में रूस आलमी जंग से जल्द दस्तार हो गया। इंटरनेशनल कांग्रेस के मकासद में बतानिया हिंदुस्तान में कौमियत का एहसास पैदा करना, हिंदुस्तानी को अवाम की शिकायत का झला करना, सकाफत सियासत और इखलाकियात के शोबे में लोगों को दोबारा मनज़म करना, हिंदुस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इंटरनेशनल कांग्रेस के क्याम के बारे में AOHM के ख्याल को अपने बयान करना है। AOHM का ख्याल था कि बढ़ती हुई सियासी बेचैनी, अवाम की माशी मुश्किलात और बढ़ती हुई साज से
जोनसी है वो 1857 की जंग आजादी के सूरत से पैदा कर सकती है, इसलिए इनका ख्याल है कि एक ऐसी तंजीम जरूर हो जिसके जरिए वो अपनी शिकायत का जला कर सके। तो 1885 में ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की गई। ये था मेरे पास 8 क्लास हिस्ट्री इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम का सब्जेक्टिव अगस्त पेपर। ऑब्जेक्टिव के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।